हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं डिफेन गोवे और आज बात करेंगे हम क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे एंटी और कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल अभी भी आप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल अगर 3732 अभी चल रहा है, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल अराउंड 3600 का आसपास आ सकता है यहाँ से। फिर भी आप एक बात देख सकते हैं, क्रूड ऑयल पहले यहाँ जैसे 4 आवर चार्ट में क्रूड ऑयल जो 50 मूविंग एवरेज से बाउंस होता है, राइट। तो अभी भी फिर से मार्केट 50 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो अगर हम प्रीवियस मार्केट बिहेवियर को देखें, राइट, देख सकते हैं यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, नेक्स्ट 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, तो यहां से भी फिर से 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हो सकता है। तो इसीलिए आपको बाय एंट्री करना है, तो इसके लिए आपको बाय सिग्नल मिलना चाहिए। अगर इसको कल का जो लोअर पॉइंट है तो उसको ब्रेकआउट कर दिया, जैसे कल का लोअर पॉइंट हम देखे तो आप देख सकते हैं कल का लोअर पॉइंट था 3700 ऑलमोस्ट। अगर 3700 को ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है ये 3500-600 तक आ सकता है, राइट। तो फिर भी यहाँ पे जैसे पहले बाउंस हुआ था 50 मूविंग एवरेज से बाउंस, राइट, यहाँ से नेक्स्ट 50 मूविंग एवरेज बाउंस, तो यहाँ से भी बाउंस हो सकता है। तो इसलिए आपको बाय और सेल एंट्री के लिए बाय और सेल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इसलिए हम जाएंगे अभी छोटा टाइम फ्रेम में, जिसे देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में अभी भी डाउन ट्रेंड है और यहाँ से जैसे बाउंस हुआ था, तो बाय के लिए जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लेते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करता है जैसे एनटी के लिए आरएसआई, स्टोकेस्टिक, सुपर 10, जो भी हो आप लोग जो इंडिकेटर यूज करता है, तो यहाँ से आप अगर बाय एनटी मिले तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये नीचे जैसे प्रीवियस लोअर पॉइंट कल का लोअर पॉइंट इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट नीचे आने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।